हेलो दोस्तों, बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम और मध्य पद को विभक्त करने की विधि यानी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का उपयोग करके बहुपदों के गुणनखंड प्राप्त करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। जांचिए कि x ऋण 2 दिए गए बहुपदों का गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x ऋण 2 इन दोनों बहुपदों का गुणनखंड है, तो p ऑफ 2 जहां 2 हमें x ऋण 2 बराबर 0 करके प्राप्त हुआ है वह होना चाहिए 0। यानी अगर इन दोनों बहुपदों को हम इस प्रकार लिखें तो हमें जांचना है कि p ऑफ 2 और q ऑफ 2 0 है या नहीं। तो चलिए जांच लेते हैं। दोनों बहुपदों में x की जगह 2 रखना होगा और अब हमें मिला p ऑफ 2 बराबर 0 और q ऑफ 2 बराबर 12। अब हम कह सकते हैं कि x ऋण 2 गुणनखंड प्रमेय के अनुसार पहले बहुपद का गुणनखंड है लेकिन दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों बताइए, यहाँ आप किस विधि का इस्तेमाल करेंगे? क्या हम मध्य पद को विभक्त करने की विधि से शुरू कर सकते हैं? दोस्तों यह एक त्रिघाती बहुपद है और मध्य पद को विभक्त करने की विधि हम द्विघाती बहुपद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इस बहुपद को गुणनखंड विधि से हल करेंगे। सबसे पहला चरण है x घाते 3 के गुणक को 1 करके अचर पद के गुणनखंड निकालना। यहाँ x घाते 3 का गुणक 1 ही है, मतलब हमें ऋण 50 के गुणनखंड निकालने हैं और यह काफी आसान है। हमें बस उन संख्याओं की सूची बनानी है जिससे ऋण 50 पूर्णतः विभाजित होता है और उसके कुछ संभव मान यह हो सकते हैं। और अब आते हैं दूसरे चरण पर। हम एक एक करके इन संख्याओं को उनके चिन्हों के साथ बहुपद में रखेंगे और देखेंगे कि किस संख्या पर बहुपद शून्य होता है। तो p ऑफ 1 हुआ 0, p ऑफ ऋण 1 हुआ ऋण 72, p ऑफ 2 हुआ 84, p ऑफ ऋण 2 बराबर ऋण 72, p ऑफ 5 600, p ऑफ ऋण 5 0, p ऑफ 10 2700 और p ऑफ ऋण 10 0। यहां x के 3 मान के लिए हमें 3 जगह 0 मिले और चूंकि यह एक त्रिघाती बहुपद है तो इससे अधिक शून्यक होंगे भी नहीं। और अब हम इस बहुपद को गुणनखंड के रूप में दर्शा सकते हैं। p ऑफ x बराबर x ऋण 1 गुणे x धन 5 गुणे x धन 10। दोस्तों आप पहला गुणनखंड प्राप्त करने के बाद बिना बाकी के गुणनखंड निकाले भी हल कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। जब हमें p ऑफ 1 शून्य मिला तब हमें अपना पहला गुणनखंड प्राप्त हुआ x ऋण 1। तो अब हमारा काम है इस त्रिघाती बहुपद में से x ऋण 1 कॉमन निकालना। यदि इस बहुपद में पहले पद के बाद ऋण x घाते 2 होता तो हम x घाते 2 कॉमन निकालकर इस प्रकार लिख पाते, लेकिन यहाँ ऋण x घाते 2 ना होकर 14x घाते 2 है। तो हम क्या करेंगे? हम x घाते 3 के साथ एक बार x घाते 2 घटाएंगे और जोड़ेंगे। अब हम कॉमन ले सकते हैं। पहले दो पदों में से x घाते 2 कॉमन लिया तो मिलेगा x घाते 2 कोष्टक में x ऋण 1। बचा हुआ x का वर्ग धन 14x का वर्ग हो जाएगा 15x का वर्ग धन 35x ऋण 50। अब यही कार्य हम 15x के वर्ग के साथ कर सकते हैं। यहाँ अगर पहला पद ऋण 15x होता तो हम 15x कॉमन लेकर इस प्रकार लिख पाते, 15x गुणे x ऋण 1। तो चलिए 15x एक बार घटाते हैं और एक बार जोड़ते हैं। अब फिर से 15x और 35x जुड़कर होगा 50x। इसके बाद हम सीधे 50 कॉमन लेकर x ऋण 1 लिख सकते हैं। इसके बाद सभी पदों से x ऋण 1 कॉमन लेकर ऐसे लिख सकते हैं, x ऋण 1 कोष्टक में x का वर्ग धन 15x धन 50।
यह द्विघाती बहुपद के रूप में है। क्या अब हम मध्य पद को विभक्त करने की विधि से हल कर सकते हैं? जी हाँ, यहाँ x घाते 2 का गुणक 1 और अचर 50 का गुणनफल है 50, और दो संख्याएं जिनका गुणनफल है 50 और योगफल है मध्य पद का गुणक 15, वह संख्याएं हैं 10 और 5। आप वीडियो को पॉज करके इसे खुद हल करें और देखें कि क्या बाकी के दो गुणनखंड वही मिल रहे हैं या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आज के सत्र में हमने क्या सीखा? बहुपदों के गुणनखंड प्राप्त करना, गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम से, और मध्य पद को विभक्त करने की विधि यानी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।